थोड़ा गेप पड़ गया अपने, लेकिन क्रियात्मक समूह की बात कर रहे थे और क्रियात्मक समूह में अपनी सीएन की बात हो रही थी, साइनाइड आरसीएन, जिसको साधारण पद्धति में साधारण नाम बोलते हैं अपन, एल्किल साइनाइड, और आईयूपीएसी में एल्केन नाइट्राइड। इसलिए मैंने कहा था कि सीएन के लिए पूर्व लगन साइनो और अनुलग्न नाइट्राइल लगता है, नाइट्राइल। अब इसके मैंने कुछ एग्जांपल बताए थे आपको, जैसे CH3CN। इसके लिए मैंने एक बात बताई थी खासतौर से कि साधारण नाम इसका हो जाएगा मेथिल साइनाइड। एक और इसका जो नाम प्रचलित है वो है एसिटोनाइट्राइल, एसिटो नाइट्राइल। आईयूपीएसी में इसे एथेन नाइट्राइल बोलते हैं, या हम साथ में लिखें तो एथेन नाइट्राइल भी कह सकते हैं, दोनों सही है, एथेन नाइट्राइल या एथेन नाइट्राइल दोनों सही है। जैसे ये CH3CH2CN, अब इसका साधारण नाम क्या हो जाएगा, इसको आप अलग बोलिए, ये एल्किल है और कितने कार्बन का एल्किल है, दो कार्बन का है, तो इसका नाम हो जाएगा एथिल और सीएन के लिए साइनाइड। बताइए कौन सिंपल वैली में नाम हुआ एथिल साइनाइड? हाँ निर्मल, ये साधारण में हुआ। तो आईपीएससी में क्या होगा? हाँ कविंद्र तुम बताओ, तीन हो गए ना? हाँ सही, प्रोपेनाइट्राइल, प्रोपे नाइट्राइल, ये इसका आईपीएससी नाम है। ये भी मैंने बताया था एरोमेटिक के हिसाब से CH3CN, ये नाम हो जाएगा बेंजो नाइट्राइल। क्या नाम हो गया इसका? फिर आप ग्रुप में चले तो फेनिल साइनाइड बोल सकते हैं, और आईपीएससी में से बोलते हैं बेंजो नाइट्राइल। आईपीएससी क्या हो जाएगा? बेंजो नाइट्राइल। जैसे आप लोगों के वाइनिल और एलिल की बात बहुत बार होती है, वाइनिल के लिए आपको पता दो कार्बन होते हैं, इस तरह का भी कई बार आ जाता है CH2CHCN। अब साधारण नाम तो आप समझ गए, ये क्या हो गया, ये हो गया वाइनिल, सीएन के लिए हो गया साइनाइड, तो रूट नाम क्या हो जाएगा? वाइनिल साइनाइड। और आयु एक इसका जो एक नाम और है जो प्रचलित नाम है वह है एक्रिलोनाइट्राइल, क्या नाम होगा? एक्रिलोनाइट्राइल। और वैसे आईयूपीएससी इसको बोले एक दो तीन, अब देखिए मैंने अंकन इस सीएन की तरफ से किया, बहुबंधी की तरफ से नहीं किया,
क्योंकि क्रियात्मक सम और गौवल दोनों जब होते हैं तो वरिष्ठता किसको मिलेगी, वरीयता किसको मिलेगी, क्रियात्मक समूह को मिलेगी। इसलिए अंतर होगा इस साइड से, इस साइड से जो ही अंतर होगा आप समझ सकते हैं। नाम लेकर प्रोप, प्रोप क्यों हुआ, तीन कार्बन, फिर आएगा दो पे इन है, ये टू इन लिख दिया, टू इन और वन नाइट्राइल, प्रोप तीन के लिए दो और देखिए बीच में इन है इसमें टू इन और एक पर सी एन इसलिए वन नाइट्राइल। ये जो यौगिक है एक्रिलो नाइट्राइल ये काफी इंपॉर्टेंट है। एक जैसे एक दिन मैंने बोला था आपको बहुलक में आएंगे ये चीज नाम पीवीसी और उसको बताया था मैंने पॉलीवाइनिल क्लोराइड, क्या बोला था पॉलीवाइनिल क्लोराइड, ये यौगिक CH2 डबल बॉन्ड CHCl ये यौगिक होता है वाइनिल क्लोराइड। ये तो हो गया वाइनिल, देखो दो कार्बन और Cl के लिए क्लोराइड। इसका जो बहुलक, बहुलक का मतलब क्या होता है, छोटे छोटे अणु मिलकर के बड़े अणु का निर्माण करते हैं, छोटे छोटे अणु का मिलकर के बड़े अणु का, जो छोटी इकाई है सबसे छोटी इकाई है जैसे मान लीजिए इसमें वाइनिल क्लोराइड है, उस वाइनिल क्लोराइड को बोलेंगे एक लक, या के बहुलक वाले पार्ट में आएगा उसको क्या बोलते हैं एक लक, एक लक इकाइयों की पुनरावृत्ति से बहुलक बन जाएगा। तो ये जो मैंने एन लिखा है इसका मतलब हुआ वाइनिल क्लोराइड के बहुत से अणु हैं, एन का मान 6, 7, 10, 20, 100 कितने भी हो सकता है। जब इसका बहुलक बनता है तो अपन इस तरह से लिख देते हैं CHCl, इस तरह से लिखा हुआ है इसका मतलब क्या हुआ कि ये कौन सा बंद टूटा, पाइबन, आपको बताया था सिग्मा और पाइबन में दुर्बल कौन सा पाइबन था वो टूट गया, और यहां इस तरह से ये इकाइयां जुड़ती जाएगी। पुनरावृत्त इकाई का मतलब ये होता है कि बार बार दोहराई जाएगी। तो ये वाइनिल क्लोराइड है और ये क्या हो जाएगा पॉलीवाइनिल क्लोराइड, बहुलक वाले पार्ट में देखना। इसी तरह से ये जो यौगिक है जिसको मैं एक्रिलो नाइट्राइल कह रहा हूं, एक्रिलो नाइट्राइल आपके एक बहुलक वाले पार्ट है क्वेश्चन तैयार होता है, एन लगा दिया इसका मतलब एक्रिलो नाइट्राइल एक लग इकाई है, छोटी इकाई है, एन का मतलब इसकी बार बार पुनरावृत्ति होगी और जब बार बार पुनरावृत्ति होगी तो बहुलक बनेगा। ये यौगिक वही है मैंने आपको बताया CH2 का मतलब यही होता है इस कार्बन पे दो एच जुड़े हुए सिग्नल बोर्ड के द्वारा। अब ये पाइबन टूटेगा, इस कार्बन में क्या जुड़ा हुआ है दरअसल आप देखिए एक हाइड्रोजन रहेंगे साइनाइड, तो मेरे यानी कि एच यानी कि CN, चूंकि ये पुनरावृत्त इकाइयां होगी इसलिए इसके मैंने ये लाइन नहीं है बोन डायरेक्ट इस तरह से जुड़ती जाएगी बार बार जुड़ती जाएगी। तो ये एक इकाई होगी और ये क्या हो गया बहुलक, इसका नाम क्या हो जाएगा जैसे ये वाइनिल क्लोराइड का बहुलक, ये था वाइनिल क्लोराइड, इसका बहुलक क्या बना पॉलीवाइनिल क्लोराइड। इसी तरह से ये यौगिक कौन सा हुआ एक्रिलो नाइट्राइल और इसका बहुलक बन जाएगा पॉली एक्रिलो नाइट्राइल, पॉली एक्रिलो नाइट्राइल पान हो गया, पान खाई के पान बनारस वाला खुल जाए बंद अकल का ताला, ऐसे गाना चला है बहुत पुराना गाना है ये अमिताभ बच्चन की तरह ऐसा कुछ फिल्म में आया, यहां पर बन के पान बहुलक वाला एक्रोनाइट्रल हो जाएगा दीवाना। इसकी बार बार पुनरावृत्ति है, ये क्वेश्चन है कि PN पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल किसका बहुलक है, एक्रिलोनाइट्राइल का है, एक्रिलोनाइट्राइल में कितने कार्बन होंगे तीन कार्बन होंगे, वैसे प्रोपीनाइट्राइल है ये और इसका सामान्य नाम एक्रिलोनाइट्राइल या फिर इसको वाइनिल साइनाइड भी कह सकते हैं। तो इस बात को भी ध्यान रखिए, बहुलक वाले पार्ट को आप बोल के देखना वहां पर ये दोनों यौगिक आएंगे।
ये सीएन था साइनाइड और अनुरोध बता दिया आपको नाइट्राइड। इसके ठीक नीचे जो क्रियात्मक समूह था वो था एनसी आइसो साइनाइड, आइसो साइनाइड पूर्णगम भी ये लगता है आइसो साइनाइड। और इसको आईयूपीएसी में इसका जो अनुरोधन लगेगा बोलेगा आइसो नाइट्राइल, जैसे वो नाइट्राइल था ये क्या हो जाएगा आइसो नाइट्राइल। इसमें ये जो देखो कईयों के समझ में आती है बात, नाइट्रोजन नाइट्रोजन सात परमाणु क्रमांक वाली है, उसके बाह्यतम कोष में ये नाइट्रोजन है 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1 पहले ने बताया था कि इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपन किस आधार पर लिख रहे हैं वो नियम ध्यान में होना चाहिए आपको। हुंड का अधिकतम बोलता का नियम था जो आप वो सिद्धांत में आता है। इसके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है 5 है। यहां ये देखिए नाइट्रोजन, इसको देखो गौर से, ये एक बॉन्ड बन गया है, एक इलेक्ट्रॉन काम आ गया संयोजी बंध बनाने में, संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन भाग लेते ध्यान रखना। दो यहां गए कुल कितने हो गए 3। अब जो दो रह गए वे दोनों इलेक्ट्रॉन बंध बनाने के भाग ले रहे नाइट्रोजन के, यह उपसह संयोजन बंध है। ऐसे 3 लगाने का मतलब मैंने बताया था ये नाइट्रोजन दाता है और सी ग्राही है, बंध बन गया उपसह संयोजक। तो ये है सीएन, ये दोनों में कंफ्यूजन ज्यादा जरूरत नहीं है। सर यहां पर फिर एन के 3 ही बनाए आपने, तो निश्चित रूप से यहां पे क्या होता है एक लोन पेयर होता है, साइनाइड लिखते नहीं है वो अलग बात है, लोन पेयर होता है कार्बन की संयोजकता आप देख रहे हैं संतुष्ट हो गई 4 के हिसाब से। आइसो नाइट्राइड या इसको कार्बिल एमिनो समूह भी कहते हैं, कार्बिल एमिनो जैसे बोल रहे अपन कार्बिल एमिनो। आइसो नाइट्राइड तो कई बच्चों को ध्यान आ जाता है, कार्बिल एमिनो में बात खा जाते हैं। आपके सीनियर में एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन आएगी कार्बिल एमीन अभिक्रिया, क्या होगी नाम सुनिए मैं बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, रिएक्शन का नाम यही है कार्बिल एमीन अभिक्रिया या आइसो साइनाइड परीक्षण ऐसे लिखा होता है। ये प्राथमिक एलियन का परीक्षण है, बहुत इंपॉर्टेंट परीक्षण है, बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड के हिसाब से कंपनी के हिसाब से ये रिएक्शन, जिसमें प्राथमिक एलियन की क्लोरोफॉर्म और एल्कोली केओएच के साथ क्रिया होती है। ये प्राथमिक एलियन आरएनएच2 आ गया, क्लोरोफॉर्म बेहोश करने वाला निश्चेतक, इसका नाम भी बता सकते हो आप आईपीएससी ट्राइक्लोरोमेथेन। क्लोरोफॉर्म एक हेलोफॉर्म है, हेलोफॉर्म जिसको आप लिखते हैं CHX3, किस नाम से जानते हैं हम हेलोफॉर्म, तो इसी से बनता है क्लोरोफॉर्म नाम इसका प्रचलित KOH के साथ, तब ये क्योंकि बनता RNC KCN प्लस जल। देखिए ये रिएक्शन है, ये डिग्री याद कर लेना अभी आप आगे आएगी आपके 3 जगह आएगी रिएक्शन, 3 जगह कितनी जगह आएगी 3 जगह, 3 बार कैसे आएगी सर 3 बार आएगी, एक बार आएगी जब आपको मैंने भी बोला है प्राथमिक एमीन का परीक्षण, और मैंने इससे पिछली क्लास में बोला साइनाइड सुगंधित होते हैं और आइसो साइनाइड अरुचिकर गंध वाले होते हैं। अरुचिकर भी कैसी असहनीय अरुचिकर, एक शब्द असहनीय गंध आती है बहुत ज्यादा अपने दिमाग के अंदर चढ़ जाती है, वो किसकी आती है आइसो साइनाइड की। और साइनाइड कैसे होते हैं सुगंधित, सुगंधी वाले मैंने और भी बताए थे एक बार, एस्टर को मैंने सुगंधित बताया, एल्डिहाइड कीटोन को भी मैंने सुगंधित बताया, इसको ध्यान दें।
तो एमीन में भी आएगी, क्लोरोफॉर्म के गुण में भी आएगी और आइसोसाइनाइड बनाने की विधि भी यही है। तो ये भी आप याद रख साथ साथ चलेगा ये काम, नाम के साथ ही प्राथमिक एमीन की क्लोरोफॉर्म और केवसी क्रिया करने पर एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है। अब मैं ये रिएक्शन इसलिए मैंने लिखी, आप इसको उतार लेना, क्योंकि मैं आइसोसाइनाइड के बारे में बता रहा हूं। और मैंने ये भी लिखा कि आईपीएससी ने इसका जो कार्बिल एमिनो एल्केन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कार्बिल एमिनो एल्केन, कैसे आप उदाहरण से समझेंगे। जैसे मैंने यौगिक लिखा सी एस थ्री एन सी। अब इसका साधारण नाम जब अपन लिखेंगे, देखिए मैं कह रहा हूं बीच में ना आ गया ना, अब आप दो कार्बन की बात भूलो, दो अलग अलग बात है, मेथिल है और आइसोसाइनाइड है, दो कार्बन भूल जाओ, एन बीच में आ गया, इसलिए साइनाइड में क्यों नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये कंटिन्यू आ रहा है, ये देखिए या तो कंटिन्यू एक दो, हालांकि इसका भी आप साधारण नाम बोलते थे मेथिल साइनाइड, आईपीसी से बोलते थे नाइट्राइड, यहां इसका साधारण नाम क्या होगा इसको बहुत अच्छे समझिए। सीएस थ्री के लिए क्या बोलेंगे, मेथिल, और एनसी के लिए बोलेंगे आइसोसाइनाइड। तो क्या हो जाएगा इसका साधारण नाम, मेथिल आइसोसाइनाइड, किसका, CH3NC का साधारण नाम मेथिल आइसोसाइनाइड। अब आइए आप IUPAC पर, और मैंने कहा ये अलग अलग बोलना आपको, IUPAC में को क्या बोलेंगे, एल्केन आइसोनाइट्राइल, या कार्बिल एमिनो एल्केन IUPAC। किसको, RNC को, क्या बोले, RNC को एल्केन आइसोनाइट, एल्केन आइसोनाइट है सब, तो बोल रहा है जैसे एल्केन नाइट्राइल होता है RCN को, वैसे एल्केन, क्या बोलो मैं, अरे पैसे का सुन गए क्या, एल्केन आइसो नाइट्राइल, तो ये नाम हो जाएगा मेथेन आइसो नाइट्राइल, मेथेन आइसो नाइट्राइल, या यहां से देखो आप एल्केन आइसो नाइट्राइल, एल्केन एल्केन आइसो नाइट्राइल, IUPAC नाम बोल रहा हूं, और दूसरा यही IUPAC कार्बिल एमिनो एल्केन, क्या बोल रहे हैं, कार्बिल एमिनो एल्केन, बताओ वर्षा गुजारा इसका क्या नाम होगा, दूसरा नाम पहले तो बोल दिया ना, हाँ कार्बिल एमिनो, कार्बिल एमिनो पहले लगेगा, कार्बिल एमिनो इसके लिए है, देखिए इसके लिए आइसोनाइट्राइल है, इसके लिए क्या गया कार्बिल एमिनो, तो मैं लिख रहा हूं कार्बिल एमिनो, अब बताओ यहां कितने कार्बन है, एक, तो कार्बिल एमिनो मेथेन, कार्बिल एमिनो मेथेन। जैसे एक और उदाहरण लेते हैं C2H5NC, बताओ साधारण नाम क्या होगा, साधारण नाम हो जाएगा एथिल आइसो कैसे बताओ, देखो मैंने कहा यहां एन आ गया, मूल में साधारण में
टूट गई ना कड़ी, ये आ गया एथिल और ये आ जाएगा आइसोसाइनेट। दो सिद्धांत अलग अलग हिसाब से, ठीक है ना। अब आईपीसी क्या हो जाएगा, इसके लिए बोलते हैं एथेन, एन सी के लिए क्या बोलेंगे आइसो नाइट्राइड, एथेन आइसो नाइट्राइड। इसका एक नाम और है, क्या नाम हो जाएगा एन सी के लिए, कार्बिल एमिनो, कार्बिल एमिनो। ये तो एन सी के लिए हो गया, अब इधर कितने कार्बन है, दो है ना, एथेन कार्बिल एमिनो एथेन। तो आइसोसाइनाइड यौगिक जो होते हैं उनका अनुलग्न आइसोनाइट्राइल भी लगता है, और उन्हीं यौगिकों को कार्बिल एमिनो एल्केन कहते हैं। क्या बोलते हैं, कार्बिल एमिनो एल्केन। जैसे मान लीजिए ये यौगिक आ जाए, इसका आपको पूछ लेंगे साधारण नाम क्या होगा, फेनिल आइसोसाइनाइड। फेनिल किसके लिए, भूल गई है याद आपको, बेंजीन होने पर एक एच कम होने पर फेनिल होता है, फेनिल आइसो साइनाइड। और आईपीसी का वैसे ही नाम होता है फेनिल आइसो नाइट्राइल, फेनिल आइसो नाइट्राइल। और इसको ये भी बोल सकते हैं कार्बिन एमिनो बेंजीन, कार्बिन एमिनो बेंजीन। तो ये आपके एक होंगे, तो कौन से समूह हो गए, एक बार मैं फिर बोल देता हूं, एक ये हुआ था वो एक अम्ल अनुलग्न लगा, एक दो नंबर ये था सल्फोनिक अम्ल अनुलग्न लगा, तीन नंबर पे ये था ओइक एनहाइड्राइड अनुलग्न लगा, चौथे नंबर पे ये था एल्किल ओइट, दो टुकड़ों में लिखते हैं एस्टर का नाम, एल्किल ओइट लगता है। इसके बाद ये पढ़ा था आपने ऑयल हैलाइड अनुलग्न लगता है, ऑयल हैलाइड। इसके बाद ये पढ़ा इसमें एमाइड अनुलग्न लगता है, एमाइड। इसके बाद आपने ये पढ़ा CN जिसमें नाइट्राइल अनुलग्न लगता है। इसके बाद आपने पढ़ा NC आइसो नाइट्राइल अनुलग्न लगता है, या इसको कार्बिल एमिनो एल्केन भी कहते हैं। और ये भी आपको बताएगा RCN व RNC दोनों क्रियात्मक समावयवी है, सूत्र अनुसूत्र एक आ जाएगा इनका, दो संरचना बन सकती है, दोनों क्रियात्मक समूह आपने अलग अलग पढ़ लिए, अलग अलग क्रियात्मक समूह जब होते हैं तो वे क्रियात्मक समावयवी कहलाते हैं। इसके बाद आपके आते हैं दो समूह एल्डिहाइड और कीटोन, कौन से आते हैं एल्डिहाइड व, पहले एल्डिहाइड आता है इसके बाद कीटोन आता है। देखिए मैंने एक बार पहले ही बताया होगा आपको, एल्डिहाइड व कीटोन दोनों कार्बोनिल यौगिक है, दोनों क्या है कार्बोनिल यौगिक है, और ये जो समूह है CO समूह को कार्बोनिल समूह कहते हैं, कार्बोनिल। CO समूह क्या बोलते हैं, कार्बोनिल समूह। इसको देख के आप बता सकते हैं थोड़ी बहुत इसमें कार्बन कौन संतुलित अवस्था में है, या आपके सिलेबस में इसलिए बोल रहा हूं, इसमें कार्बन sp2 संतुलित अवस्था में है। संगठन कैसे पता चलता है, चार सिग्मा बंद हो तो sp3
तीन सिग्मा प्लस एक पाई बंद हो एसपी टू, दो सिग्मा दो पाई बंद हो एसपी संकरण के हिसाब से। तो यहां कितने सिग्मा है, एक दो और द्विबंध जो आपको बताया था, द्विबंध में एक सिग्मा और एक पाई बंद होता है। क्या होता है सैनी, एक सिग्मा और पाई, तो कुल कितने हो गए, एक दो तीन, तीन सिग्मा एक पाई बंद होने से एसपी टू है, कोण कितना हो जाएगा इसमें, बंद कोण बोल दीजिए, एसपी टू होने जाओ होता है 120 डिग्री होता है। ज्यामिति कैसी होती है, 120 होने से समतली होती है, समतली है। सीओपन ध्रुवीय होता है, क्या ध्रुवीय है, आप खुद बोलेंगे ध्रुवीय होता है। यहां पे सिलेबस में सीनियर में इसलिए बोल रहा हूं ध्रुवीय है, कैसे बताते हैं ध्रुवीय का, कि जब बंधे परमाणु जो होते हैं उनके विद्युत ऋणता में जितना ज्यादा अंतर आएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देखना है जितना ज्यादा है, जैसे आपको पता होना चाहिए कि कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता 2.5 है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और ऑक्सीजन की 3.5 है। एक दिन आपको मैंने फ्लोरीन की बताई थी, वो थी 4, तो 2.5 इसकी है 3.5। देखिए विद्युत ऋणात्मकता का मतलब क्या है, विद्युत ऋणात्मकता के बंधित अवस्था में, ये बंद बना ना बंद, बंधित अवस्था में परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन की, बंधित अवस्था ना बंधित, उस बंधित अवस्था में परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता। सुन लो फिर, विद्युत ऋणात्मक का मतलब कब होगा, बंद बना हुआ है, सहसंयोजक बंद बना हुआ है, सहसंयोजक बंद नहीं होती है, ध्यान रखना, सहसंयोजक बंद बना हुआ है, बंद बना हुआ है, इलेक्ट्रॉनों का समान साझा है, बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन दिए, कार्बन ने भी दो दिए, ऑक्सीजन ने भी दो दिए, साझा हो गया, ब्रिटानिया बिस्कुट 50-50, दोनों की साझेदारी बराबर है, लेकिन साझेदारी के बाद में खींचतान तो होती है पार्टनरशिप में, तभी समझदार लोग थे पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए, साझेदार कम से कम बने, ऐसा व्यापार के से जुड़े लोग बोलते हैं। क्यों, कि साझेदारों में खींचतान तो होती ही है, यहां दो पार्टनर है इस डबल बॉन्ड में, कार्बन और ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन का बराबर साझा है, इलेक्ट्रॉन दोनों खींच रहे हैं, कार्बन कह रहे जोड़ लगा हैशिया और ऑक्सीजन कह रहे जोड़ लगा हैशिया, इधर भी खींचना उधर भी खींचना। तो भैया जिसका प्रभावी नाभिक आवेश ज्यादा है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ज्यादा खींचेगा, और आप सब जानते हैं आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर प्रभावी नाभिक आवेश बढ़ता है, और इसीलिए बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता भी बढ़ती है। और पॉलिंग ने वैज्ञानिक कही थे, ऑलरेड रोसो मुलिकन पॉलिंग, अपन जो माप लेते हैं, ये जो मैंने मान लिखे हैं जो प्रचलन में है आजकल, वो पॉलिंग नामक के वैज्ञानिक, पॉलिंग ने विद्युत ऋणता के बारे में बताया था, वैसे पॉलिंग ने बताया था, और पॉलिंग ने मान दे दिया सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता फ्लोरीन में, इसलिए मैंने बोला भी था कि फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा है। यहां मैं ये बात क्यों कह रहा हूं कि कार्बन ऑक्सीजन में दो दो इलेक्ट्रॉन साझा है, यहां पर दोनों इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, ये इधर खींच रहा है, वो इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, और बाजी मारेगा जिसका प्रभावी नाभिक ज्यादा है, या शॉर्ट में बोले तो जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है, और इसे
इलेक्ट्रॉनों का जो बीच में होना चाहिए एक तरह से, वो बीच में नहीं रहते, फिर जिसकी ज्यादा विद्युतीयता उसकी तरफ झुकते हैं, उसकी तरफ झुकते हैं, झुकते हैं, इसलिए तीरिया ऐसे लगाते हैं, लगाइए आप देखना एरो ऐसे लगाते हैं, इस पर लगाते हैं आंशिक ऋणावेश, इस पर आंशिक धनावेश। कई बच्चों के दिमाग में रहता है इस तरह पूरा प्लस पूरा माइनस क्यों नहीं लगाया, अरे अभी पूरा प्लस पूरा माइनस तब लगता है जब बंद टूट जाए, यदि ये होता सी ओ इधर बॉन्ड सी टूट गया ना, तब तो हम कहते हैं कार्बन की कब रह गए तो प्लस, इसके पास लगाते सात तो हम लगाते माइनस, यहां बंद टूटा नहीं है, बंद टूटा नहीं है, ये तो विद्युत ऋणात्मकता का मतलब है ना, बंधित अवस्था में इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। ध्यान रखना आप ऑक्सीजन की दो नंबर पे है, फ्लोरीन के बाद सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की होती है, इसलिए ऐसा सहसंयोजक बंध यदि बना हुआ हो जिसमें कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बंध है तो वह बंध सदैव ध्रुवीय बंध ही होगा। सहसंयोजक बंध के लिए दो शब्द का प्रयोग करते हैं, अध्रुवीय और ध्रुवीय। जैसे मान लीजिए ये होता एच एच तो हम कहते हैं अध्रुवीय, कई बार आपके ये समझ में भी जाता है, जैसे मैंने क्वेश्चन दिया आपके ठोस अवस्था कई उन्होंने आयनिक यौगिक में इसका नाम लिखा है एचसीएल का, जबकि आपको पता है कि एचसीएल एक सहसंयोजक यौगिक है, एक एक इलेक्ट्रॉन साधन है, आयनिक में तो पूरा स्थानांतरण हो जाता है। खैर ये ध्रुवीय बंध है, कार्बन समूह कहते हैं, कार्बन sp2 संघनित अवस्था में होता है, बंध कोण 120 डिग्री होता है, ज्यामितीय समतली होती है। ये क्वेश्चन आपके 12वीं क्लास के लेवल का और आप तैयार करने इसको बड़ा सरल सा प्रश्न है। यहां मैं जो कार्बोनिल समूह की बात कर रहा हूं और मेरे ऊपर लिखा कि एल्डिहाइड और कीटोन जो होते हैं उनको हम कार्बोनिल यौगिक कहते हैं। देखिए इस कार्बोनिल यौगिक में दो संयोजकता, ये तो फिक्स हो गया सी डबल बॉन्ड, यहां आर जुड़ सकता है एच जुड़ सकता है, यहां भी आर जुड़ सकता है एच जुड़ सकता है। तो हम ये देखते हैं जब सीओ समूह की कम से कम एक संयोजकता हाइड्रोजन द्वारा संतुष्ट होती है तो वे कार्बोनिल यौगिक एल्डिहाइड कहलाते हैं। कम से कम एक तो दोनों भी हो सकती है, एक जरूर होगी। वे हुई क्या होगी जब कार्बोनिल समूह की कम से कम एक संयोजकता हाइड्रोजन द्वारा संतुष्ट होती है वे कार्बोनिल यौगिक एल्डिहाइड कहलाएंगे। तो फिर कीटोन किसको कहेंगे? वे कार्बोनिल यौगिक जिनमें सीओ समूह की सीओ दोनों संयोजकता एल्किल समूह द्वारा, एल्किल एरिल बोल सकते हैं एरोमेटिक है तो, क्या कहलाएंगे? कीटोन। देखिए दोनों बहुत क्लियर कट डिफरेंस आपको बताना चाहिए, दोनों कार्बोनिल यौगिक है। मैं कह रहा हूं जब कार्बोनिल समूह की कम से कम एक संयोजकता, कम से कम एक संयोजकता यदि हाइड्रोजन के द्वारा संतुष्ट हो तो वे कार्बोनिल यौगिक क्या कहलाएंगे? एल्डिहाइड।
और मैं ये कह रहा हूं यदि सीओ समूह की दोनों संयोजकता एलके समूह के द्वारा संतुष्ट हो तो वे क्या कहलाएंगे, कीटोन कहलाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सीओ है सीओ इसमें यहां दोनों तरफ आर जुड़ जाए तो कीटोन हो गया, एक भी यदि आर जुड़ गया तो क्या हो जाएगा एल्केट। एल्केट और कीटोन यदि वो एलिफेटिक है एल्की समूह यदि जुड़ा हुआ है तो एल्डिहाइड को कीटोन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है। अतः है ये क्रियात्मक समावेश होते हैं, ये सब बात है बारी में काम की है। जब एल्डिहाइड और कीटोन की बात करें सामान्य सूत्र क्या हो गया CnH2NO। आपको पता यदि सामान्य सूत्र एक सा है तो वे यौगिक वही सोनी वही तो क्रियात्मक समावेश यार, जिनका सामान्य सूत्र एक जैसा है वे यौगिक क्रियात्मक समावयवी कहलाते हैं। इस बात को याद कर लेना, मैं आपको तीन चार जोड़े बता चुका हूं पहले से, एल्कीन साइक्लोएल्केन, एल्काइन साइक्लो एल्काडाइन, एल्काइन और एल्काडाइन, इसी तरह से अम्ल और एस्टर, आज मैंने आपको बताया साइनाइड और आइसोसाइनाइड, और अब मैं आपको बता रहा हूं एल्डिहाइड और कीटोन, ये आपस में क्या होते हैं क्रियात्मक समावयवी। अब मान लीजिए अपन बात कर रहे हैं एल्डिहाइड की और हम ये कहते हैं कि ये एक संयोजकता कम से कम किसके द्वारा संतुष्ट हो जाए एच के द्वारा, इसलिए CHO यहां लिखा हुआ CHO ये कौन सा समूह हो जाएगा, ये एल्डिहाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा एल्डिहाइड। IUPAC में क्या कहते हैं एल्केनेल, क्या बोलते हैं एल्केनेल। एल्डिहाइड में पूर्व लगन आप किताब पढ़ेंगे तो आप देखिए दोस्त लिखे होते हैं ऑक्सो वह फार्मिल, दो लिखे होते हैं और अनुलग्न एल लगा होता है, एल क्या लगा होता है एल, कई बार एक पर एक मात्र लगा दो से गिर जाते हैं एल, क्या होता है अनुलग्न एल। अब मैं एक बात जो बताना चाहता हूं वो आपको बहुत ध्यान से सुननी चाहिए और वो बात आपकी काफी रूढ़ नाम याद करने में सहायक होती है एल्डिहाइड के। आप लोगों ने कार्बोक्सिलिक अम्ल के रूढ़ नाम पढ़े, मैं फिर दोहरा रहा हूं फार्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, प्रोपियोनिक अम्ल, ब्यूटेरिक अम्ल, वेलेरिक अम्ल, बोले नहीं बोले ये नाम सुने आप लोगों ने, याद भी है पता भी है गए होगा तो आपको, ये लाल चिट्ठी का सर फार्मिक अम्ल हो गया, सिरके से एसिटिक अम्ल हो गया, पहले प्रोटोन से प्रोपियोनिक अम्ल बन गया, मक्खन वाला वो आपने बताया था वो ब्यूटेरिक अम्ल हो गया, और वेलर नाम पौधे से पूरा वेलेरिक अम्ल हो गया, तो बताया वो आपको लोगों को। अब कोई कहेगी यहां फिर क्यों आ रहे हैं सर, दोबारा क्यों रिपीट कर रहे हैं, कई बच्चे क्या होते हैं मेरे से बड़े चिढ़ते हैं कि गुरु जी आप फिर बोल रहे हो, तो वो मान ला क्यों मान दो तो आने माने खोटी करो, आने लग गया, अरे आने लग गए कुछ नहीं भैया, बहुत बहुत वर्ष लग जाते कई बार, जब आप लोगों की इच्छाएं पूरी होती है अभी ये है ना, पहले आप बच्चे हो गए जब से मैंने समझ पकड़ी है कि 11वीं का पेपर दिए बगैर 12वीं हो गए,
कभी सोचा आप लोगों ने? ये भी हजारों हजार साल पहले की बात है, जब कई बच्चे एक बार पढ़े नहीं, ब्यारे में ध्यान दिया नहीं और गुरुदेव के पास चले गए, जाके बोला गुरुदेव इस बार हमने पढ़ाई नहीं की है। तो गुरुदेव क्या बोल रहे हैं, बच्चों पढ़ाई नहीं की है तो भी क्या होगा, पेपर तो होगा और आपको पास होना पड़ेगा। गुरुदेव ऐसा मत करें, हम पढ़े नहीं है ग्यारहवीं में, हमें आता नहीं आईपीएस नाम। तथास्तु, लेकिन आपकी इच्छा हजारों हजारों साल बाद पूरी होगी। कब पूरी होगी सर? आपकी इच्छा पूरी होगी 2020 में, 2020 का वर्ष आएगा, कोरोना महामारी लाएगा, उस समय आप अपने एक नए जीवन में होंगे और बिना पढ़े पास हो जाओगे। तो क्या गुरुदेव बारे में भी नहीं पढ़ना पड़ेगा? ऐसा नहीं होगा, बारे में आपको दूरी मेहनत से पढ़ना पड़ेगा। तो भैयाओं, ऐसा गुरुदेव का बहुत हजारों साल पहले की बात बता रहा हूं, इसलिए आप लोगों ने ग्यारहवीं में नहीं पढ़ा, वो तो आपको वरदान का फायदा हो गया 2020। लेकिन 2021 में जब आप सीनियर होंगे तो यह सा मत पाल लेना कि आप लोग ऐसे पास हो जाओगे, इसलिए बड़े ध्यान से पढ़ लो आप। अरे ढीली ढीले चल रहे हो ना, चलेगा नहीं ऐसे। तो एलडीहाइड की जब बात करते हैं तो आपके दिमाग में रहना चाहिए कि एल्केनियल बोलेंगे, प्रोलोनोक्सो फार्मिल होता है, एल्केनियल एल होगा। लेकिन अभी मैं जब बोल रहा था बच्चों के दिमाग आता है, अम्ल की बात कर रहे थे सर आप, फार्मिक अम्ल एसिडिक अम्ल, ये क्यों बोले आप एल्केनियल के टाइम में? बोलने का कारण है और ये लाइन याद कर लो आप तो आपको समझ में आ जाएगा। कार्बोक्सिलिक अम्ल के अपचयन से ऑक्सीजन अपचयन, सुना आपने, रट लेना इस लाइन को, एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। या ये माने कि कार्बोक्सिलिक अम्ल से अपचयन करें उनका कार्बोक्सिलिक का, तो कौन सी अम्ल प्राप्त हो जाएंगे, एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड जब प्राप्त हो जाएंगे तो अपन ये लिख सकते हैं, साधारण पद्धति में एल्डिहाइड का नाम कार्बोक्सिलिक अम्ल के संगत होगा। साधारण नाम के संगत होगा, ले सकते हैं, साधारण नाम के संगत होगा। अब कोई बोलेगे कार्बोक्सिलिक के संगत कैसे? एक कार्बन का, जैसे मैं इसको लिख के आपको दिखा रहा हूं, या मैंने लिखा यौगिक, यानी का साधारण नाम और यानी का आईयूपीएसी नाम। अब देखिए मैं सूत्र लिख रहा हूं HCHO, CHO आ गया ना, CHO, CHO मतलब एल्डिहाइड है, एक से होता एच के द्वारा कम से कम होती है। अम्ल भी आपको पता है कार्बन वाला फार्मिक अम्ल होता है, फार्मिक अम्ल के अपचयन से फार्मेल्डिहाइड प्राप्त होगा। किसके अपचयन से? फार्मिक अम्ल के, मैंने अभी बोला कार्बोक्सिलिक अम्लों के अपचयन से एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। सुन लो आप, कार्बोक्सिलिक अम्लों के अपचयन से एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल का अपचयन हुआ, एल्डिहाइड प्राप्त हो गया। कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो रूट नाम है
उसी के अनुसार एडीएड का नाम लिख दो। फार्मिंग अंग कहते हैं, फार्म एडीएड प्राप्त होता है। फार्मिंग अंग का सूत्र ये होता है SCOH, तो फार्म एडीएड का ये होता है SCHO। फार्मिंग अंग से फार्म एडीएड, इसलिए जो रूट नाम है वो क्या होगा, फॉर्मेलिएट। ध्यान देना, वो रिटर्न जो उतने अम्ल के संगत बस इतना याद रख लो आपको, अम्ल के अपचे से एंडियड बनता है, इसलिए अम्ल का जो रूट नाम है वैसा ही एंडियड का होगा। कितने कार्बन, एक है, तो क्या नाम हो जाएगा, मेथेनिएट। क्या होगा, मेथेनिएट। एक कार्बन से नाम हो जाएगा मेथेनिएट। दो कार्बन है, याद करो आप, दो कार्बन वाला अम्ल क्या कहलाता है, आप कहेंगे एसिटिक अम्ल कहलाता है। क्या कहलाता है, एसिटिक अम्ल। तो एसिटिक अम्ल कहलाता है, एसिटिक अम्ल CH3COH, ये तो बताया आपको। अब दो कार्बन का अम्ल एसिटिक अम्ल है, और मैं फिर कह रहा हूं कार्बोक्सिलिक अम्लों के अपचयन से एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं, तो ये दो कार्बन का एल्डिहाइड एसिड एल्डिहाइड हो गया, और आईपीएसी इसको बोल देंगे एथेनेल। ये लगेगा हम लोग इसमें एथेनेल है सीधा है, तो तीन कार्बन का अम्ल याद करो आप, याद आप अच्छे से याद आप, तीन कार्बन का अम्ल अरमान खान क्या है, प्रोपियोनिक अम्ल। बोले कितना अच्छा लग रहा है, सही बोल रहा है, तो क्या हो जाएगा, प्रोपियोनेटिएट। और मदर डे पे है ना, अरमान खान ने तो वीडियो भेजा, अपनी मम्मी को काफी हेल्प कर रहा था। बाकी लड़के शर्म करते हैं, जननी की जिनको शर्म आती है वो क्या जग का कल्याण करेंगे, इसका रिजल्ट तो मैं बाद में अनाउंस करूंगा खैर। लेकिन अरमान खान का मैंने देखा था, बहुत अच्छा वीडियो उसका प्राप्त हुआ था। तीन कार्बन वाला एडिएट क्या हो जाएगा, प्रोपियोनेटिएट, और आईपीसीएम क्या बोल देंगे, प्रोपेनेल। एल रूलग्न लगेगा, चार हो, चार होते हैं आपको दो बन जाते हैं नॉर्मल और आइसो। मैं फिर कह रहा हूं अम्ल की बात याद कर लो, मैंने आपको बताया नॉर्मल ब्यूटरिक अम्ल, तो यहां क्या हो जाएगा, नॉर्मल ब्यूटेरेडिएट। क्या नाम हो जाएगा, नॉर्मल ब्यूटेरेडिएट। आईपीसीएम क्या होगा नाम, ब्यूटे ने, एक दो तीन चार, और CHO अनुकरण क्या लगना है, एल। अब ये दो बन जाएंगे इसके, ऐसे करते ही ये संरचना दिमाग में पहुंचती है आइसो वाली, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, रूट आइसो ब्यूटेरेडिएट। आइसो ब्यूटेरेडिएट आप लोगों को यदि ध्यान में है तो ये भी मैंने बताया था कि कार्बोक्सिलिक अम्ल में जो प्रतिस्थापी होते हैं उनमें प्रतिस्थापी स्थिति अल्फा बीटा गामा से बताते हैं। ध्यान में क्या क्या बताया था, प्रतिस्थापी स्थिति अल्फा बीटा गामा से। तो ये जैसे कार्बन के पास वाला कार्बन क्या होगा, अल्फा, और ये क्या होगा, बीटा। इसको ऐसे भी लिखते हैं कई जगह अल्फा मेथिल प्रोपियोनेटिएट। क्यों लिखा, जैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल में प्रतिस्थापी स्थिति अल्फा बीटा गामा से है, वैसे एल्डिहाइड और कीटोन में प्रतिस्थापी स्थिति को अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, और अल्फा बीटा गामा कार्बन युक्त की जात में शुरू के पास वाला कार्बन अल्फा है, ये CHO के पास वाला अल्फा है, CO के पास वाला अल्फा है, CH के पास वाला अल्फा है, कार्बन युक्त की जात में शुरू जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है कार्बन अल्फा कार्बन। ध्यान देना, जहां कई बार ऐसा पूछ ले किस एंडियड के अंदर
अल्फा हाइड्रोजन परमाणु संख्या कितनी है, तो जो अल्फा कार्बन से जुड़ा कितने जुड़े, एक हाइड्रोजन, तो अल्फा हाइड्रोजन संख्या कितनी होगी, एक होगी। आईपीसी में यह चीज 1-2-3 के रूप में आ जाती है, 1-2-3 के रूप में आएगी तो कितने में जुड़ गया, 2 पे 2 क्या जुड़ा, मेथिन। अब जनन में कितने कार्बन रहेंगे, 3, तो 2-मेथिल-प्रोपेनेन, 2-मेथिल-प्रोपेनेन। आप समझे, आइसोब्यूटेनिलिएट जो है उसको हम अल्फा मेथिल प्रोपेनेन बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि अल्फा स्थिति है ये, जहां CH3 जुड़ा है। प्रोपेनेनिएट क्यों हो गए, फिर 1-2-3 रहेंगे जनक में, और आईपीसी में क्या बोलेंगे, 2-मेथिल-प्रोपेनेन। 5 कार्बन वाला वेलेंटिएट होता है, 3-4-5 एन वेलेंटिएट, पूरा लिख लो इसको, और आईपीसी में इसको बोलेंगे पेंटेनेट। क्या बोलेंगे, पेंटेनेट। अब देखिए यदि ये आ जाए, यहां CHO आ जाए, यहां CHO आ जाए, इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजेल्डिहाइड। क्या नाम हो जाएगा, बेंजेल्डिहाइड। क्यों बेंजेल्डिहाइड, बेंजीन वाले पर CHO है, बेंजेल्डिहाइड। क्या बोला, बेंजेल्डिहाइड। इसका एक बड़ा, जैसे हो सकता है मैंने उस दिन आपको बताया होगा, ये जो अम्ल होता है उसको बोलते हैं हम सैलिसिलिक अम्ल, अब यदि यहां पर CHO कर दे तो ये क्या हो जाएगा, सैलिसिलिएट, सैलिसिलिहाइड। अब इनमें वरिष्ठ कौन सा होगा, वरिष्ठ के लिए मैंने बताया था कि CHO वरिष्ठ है, तो क्यों वरिष्ठ, तो है ना नीचे आ रहा है, एल्डिहाइड कीटोन फिर एल्कोहल है, तो 2-हाइड्रोक्सीबेंजेल्डिहाइड नाम हुआ सर। क्या हो जाएगा, 2-हाइड्रोक्सी बोलो, 2-हाइड्रोक्सीबेंजेल्डिहाइड। अब देखिए एक योगिक ये होता है, इसको भी अच्छे से कर लो, एक्रोलीन बोलते हैं इसको, एक्रोलीन, एक्रोलीन। आईपीसी में क्या हो जाएगा, 1-2-3, तो दोनों चलते हैं इसमें, आप सीधे भी लिख सकते हो प्रो टू इन 1N, आप ऐसे भी बोल सकते हैं, या प्रो टू इन ए, दोनों सही है। ये ज्यादा सरल रहता है समझने के हिसाब से, क्योंकि 2 पे इन आ गया, 1 पर N आ गया, एक्रोलीन बोलते थे। क्या बोलते हैं, एक्रोलीन। मैंने ये क्रोटोनिक अम्ल बताया था, उससे ये बन जाता है क्रोटोनेल्डिहाइड, क्रोटोनेल्डिहाइड, क्रोटोनेल्डिहाइड। क्या नाम हो जाएगा आईपीसी में, 4 है ना, ब्यूट 2-ईन-1-ए, ब्यूट 2-ईन-1-ए। आपको मैं कार्बोक्सिलिन में एक दिन ये नाम बताया था, मेरे कई बार ऐसा होता है कि हम सारे COOH को अंक नहीं दे पाते हैं, तो लंबी श्रृंखला 5 कार्बन वाली होते हुए भी 3 की सिलेक्शन कर लेते हैं, जैसे 1-2-3। अब 1-2-3 करेंगे इसका नाम क्या हो जाएगा, ये मैंने बताया था, मैं इसको याद भी करना, आप प्रोपेन
वन टू थ्री कार्बोक्सिलिक अम्ल। प्रोपेन वन टू थ्री कार्बोक्सिलिक अम्ल। अभी ऐसा ही उदाहरण आप एग्रीगेट में भी कर सकते हैं। ये CHO आ गया और यह देगा प्रोपेन वन टू थ्री ट्राई कार्बन डीहाइड। देखिए इसका मतलब हुआ CHO को कार्बन डीहाइड भी कहते हैं। CHO के लिए क्या लिखा मिलेगा आपको? कार्बन डीहाइड। जैसे मान लीजिए ये आ गया, इसमें भी कुछ जानते हैं बेंजीन है क्या? नहीं है। ये है साइक्लोहेक्सेन। क्या है? साइक्लोहेक्सेन है। अब जैसे ये लिख दिया मैंने, इसको भी ऐसे बोल देते हैं साइक्लोहेक्सेन कार्बन डीहाइड। तो कार्बन डीहाइड सब किसके लिए प्रयुक्त होता है? कई जगह CHO के लिए, ध्यान रखना। जैसे अभी मैं थोड़ी देर पहले लिख रहा था, ये इसका नाम बताया था मैंने, क्या बताया था? बेंजेन डीहाइड। इसको बेंजीन कार्बन डीहाइड भी कह देते हैं। बेंजीन कार्बन डीहाइड भी कहते हैं इसको। ये जो बेंजीन डीहाइड है, इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा? बेंजीन कार्बन डीहाइड। और भी बहुत से नाम है, पर कितने भी लिख सकते हैं। एल्डिहाइड में काफी नाम आ जाएंगे, लेकिन अभी ये इतने इंपॉर्टेंट नाम आप कर लीजिए। और एक प्रश्न जो आपके दिमाग फिर रह जाएगा कि ठीक है अनुलग्न एल हो गया एग्रीगेट में, पूर्ण लगन तो आप गुरु की ऑक्सो लिखते हैं और एल फार्मिल भी होता है। ये समूह वैसे फार्मिल समूह कहलाता है। इतना लिखते हैं समूह क्या हो जाता है? फार्मिल डीहाइड से बन गया, ये फार्मिल समूह। क्या समूह कहलाता है? फार्मिल। अब इसमें देखिए ये होता है कि पहली बात तो पूर्ण लगन तब लगेगा जब कोई होगी बहुक्रियात्मक समूह युक्त हो, भी दो या तीन चार ऐसे होते भी तो लगेगा, और उसमें CHO से वरिष्ठ क्रियात्मक समूह भी हो, जैसे COH हो, एस्टर हो, एमाइड हो, नाइट्राइल हो, आइसोनाइट्राइल हो, और साथ में CHO भी यदि हो तो उसका क्या लग जाएगा? पूर्ण। एक उदाहरण समझ सकते हैं आप कि जैसे मान लीजिए मैंने ऐसा यौगिक लिखा, ये यौगिक लिखा, ये यौगिक लिखा, तो इसमें लंबी श्रृंखला कितने कार्बन की है? तो वो नियम कोई लागू होना है लंबी श्रृंखला वाला, तो पांच का है। अब ये एक तो CHO एक है CN, बताओ दोनों में कौन सा वरिष्ठ है? तो आप समझ सकते हैं कि वरिष्ठता क्रम में CN ऊपर आ रहा है, तो क्या नाम हो जाएगा? एक दो तीन चार पांच। तो ये CHO, इसको अंक नहीं मिला, अंक नहीं मिला, ध्यान देना, अंक नहीं मिला तो फार्मिल पूर्ण लग लगेगा। क्या मिले? क्या लगेगा? फार्मिल। क्या नाम हो जाएगा? थ्री फार्मिल। CHO के लिए फार्मिल पूर्ण लगन। अब कुल कितने? पांच पेंटे नाइट्राइल, क्योंकि CN का अनुलग्न क्या होता है? नाइट्राइल होता है। क्या होता है? नाइट्राइल। अब यही होगी दूसरी क्रम, इस यौगिक में भी दो क्रियात्मक समूह है, एक ये CN और ये फिर CHO, यानी एक एल्डिहाइड और दूसरा नाइट्राइल। अनुलग्न क्योंकि वरिष्ठ कौन सा है? CN है, तो अंकन किधर से करेंगे? CN की तरफ से करेंगे। एक दो तीन चार पांच। तो ये अंकन करने पर देखो CHO को कौन सा मिल गया? पांच मिल गया, अंक मिल गया इसको,
तो वो श्रृंखला में शामिल हो गया, जनन श्रृंखला का भाग हो गया, तो यहां लगेगा ऑक्सो, फाइव ऑक्सो पेंटे नाइट्राइन। देखिए दोनों डिफरेंस बता दिया मैंने कि कब ऑक्सो लगेगा कब फार्मी लगेगा। जब उसको अंक नहीं मिला तो लगेगा फार्मी, अंक मिल गया एक दो तीन चार पांच तब क्या लगेगा ऑक्सो। तो फार्मिल ऑक्सो दोनों पूर्व लग्न है एल्डिहाइड के, यदि अंक मिल रहा आप देख रहा उसको सी एच ओ को मिल गया अंक मिल गया तो ऑक्सो लगाना है, और यदि नहीं मिला है वो प्रतिस्थापी के रूप में यहां आ रहा है या तो कोई प्रतिस्थापी यदि वृक्ष समूह नहीं है इसमें भी ऐसा है, लेकिन अंक नहीं मिला है तो फार्मिल लगाना, अंक मिला तो ऑक्सो लगाना, अनुलग्न एल लगाना है। सी एच ओ कार्बोनिल समूह है जिसमें कार्बोनिल समूह की एक संयोजकता किसके द्वारा संतुष्ट होती है एच के द्वारा। जब कीटोन में क्या होगा, कीटोन में सीओ की दोनों संयोजकता किससे संतुष्ट होती है लिखा नहीं दिया आपको, एल्किल समूह के द्वारा, किसके द्वारा एल्किल। अब देखिए इसमें पूर्व लग्न लगता है क्योंकि सीओ समूह है कभी भी किनारे में नहीं आ सकता क्यों दो संयोजकता मुक्त है ना, तो दोनों आर से संतुष्ट होनी है तो सीओ सदैव ही इसमें आएगा, इसलिए सीओ के लिए हमेशा या कीटोन के लिए हमेशा पूर्व लग्न क्या लगेगा वही जो भी आप एल्डिहाइड में बोल रहे थे ऑक्सो, और अनुलग्न लगेगा ओन, क्या लगेगा ओन, अनुलग्न क्या लग जाएगा ओन लग जाएगा। अब देखिए पहला सदस्य जो कीटोन श्रेणी का होता है पहला ही सदस्य वो तीन कार्बन वाला होगा, कितने वाला होगा तीन, क्यों होगा क्योंकि आर तो जुड़ेंगे ना भाई कभी निखिल आर जुड़ेंगे, आर में कम से कम कितने कार्बन होते हैं एक होता है, यहां एक जुड़ा यहां एक जुड़ा कितने हो गए दो, एक सीओ वाला कार्बन खुद बेटा बीच में बॉस कार्बन समूह नहीं है ये बॉस है सीओ, एक इसका हो गया तीन हो गए। इसका जो साधारण नाम है वो है एसीटोन, देखिए इसको आप डाइमेथिल कीटोन भी कह सकते हैं, और आईपीसी इसको बोलते हैं प्रोपेनोन। यहां पर भी कई बार बच्चे पूछ लेते हैं कि सर टू प्रोपेनोन लिखे प्रोपेनोन लिखे, चार कार्बन तक कीटोन का एक ही सदस्य होता है, एक ही भाई एक ही संरचना मिलती है सदस्य मतलब एक ही संरचना है, इसलिए प्रोपेनोन ब्यूटेनोन में आपको स्थिति बताने की जरूरत ही नहीं है, इसमें प्रोपेनोन मेथेनोन रेफरेंस होता ही नहीं है, तीन से तो शुरुआत होगी ना इसकी, जैसे ये यौगिक है अब इसको क्या बोल सकते हैं एथिल मेथिल कीटोन, ध्यान देना यहां पर एथिल को पहले लिखना पड़ेगा अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से, ई पहले आता है ना एम से, आईपीएसी क्या नाम हो जाएगा इसका सीधा आप लिख सकते हैं ब्यूटेनोन, क्या लिख सकते हैं ब्यूटेनोन लिख सकते हैं ब्यूटेनोन। लेकिन जब पांच कार्बन वाला आएगा कितने वाला आएगा पांच, सी एस थ्री सीओ CH2, CH2, CH3 पांच कार्बन वाला CH2, CH, CH3, CH3 पांच कार्बन वाला CH3, CH2, CO, CH2, CH3। देखिए पांच कार्बन वाला कीटोन यदि है तो उसकी कितनी संरचना बन गई, उसी संरचना बन गई तीन, कौन सी पहली दूसरी तीसरी। अब पहले का साधारण नाम क्या होगा मेथिल एन प्रोपिल कीटोन, मेथिल एन प्रोपिल क्यों बोला, ये जो संरचना है वो नॉर्मल प्रोपिल है, नॉर्मल प्रोपिल, इसका जब आईपीसी नाम लिखेंगे एक दो तीन चार पांच तो क्या नाम हो जाएगा पेंट टू
पेंट जो गली की है वहां पेंट बनी पांच गली पेंट एक दो तीन चार पांच और सीओ कितने नंबर पे है दो नंबर पे है तो इसका मेथिल एन प्रोपिल कीटोन का आईपीसी नाम क्या हो जाएगा पेंट टू ऑन इसका क्या हो जाएगा देखिए मेथिल आइसोप्रोपिल है ये कई जिसको आइसोप्रोपिल मेथिल भी दिख रहे हैं आजकल मैंने बताया भी था आइसो का आई ले लेते हैं पता है ना तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन आइसोप्रोपिल दोनों नाम चलते हैं रूट में वैसे कई बार मेथिल आइसोप्रोपिल भी लिख रहे हैं दोनों सही है अब इसके अलावा आप आईपीसी नाम करेंगे अंतर करेंगे जिधर से क्रिया मौसम वो कम अंक मिलता है तो क्रिया मौसम इधर से मिलेगा दो नंबर इधर से मिलता है तीन नंबर इधर से करेंगे अब क्या नाम हो जाएगा थ्री मेथिल तीन पे रहा मेथिल ब्यूट टू ऑन थ्री मेथिल ब्यूट टू ऑन ये इसका सही नाम हो जाएगा ये इसका जो ऋण नाम है सममित डाई एथिल कीटोन अब मैंने सममित क्यों बोला क्योंकि दोनों तरफ है ये एथिल एथिल है डाई एथिल बोलते तो भी सही होता है कीटोन के लिए मुझे सममित नहीं लिखे तो भी चलेगा एक दो तीन चार पांच आईपीसी नाम क्या हो जाएगा पेंट थ्री ओम पेंट थ्री ओम तो ये किटोन और एल्डिहाइड का सामान्य सूत्र क्या बताया था मैंने CnH2O कार्बोनिल यौगिक होते हैं एक संयुक्त एच के द्वारा संतुष्ट एल्डिहाइड दोनों संयुक्त एल्किल के द्वारा है तो किटोन अनुलग्न एल्डिहाइड के लिए एल किटोन के लिए ऑन इससे पहले मैंने बताया साइनाइड के लिए नाइट्राइल एनसी के लिए आइसोनाइट्राइल इससे पहले मैंने बताया एमाइड के लिए एमाइड और एसिड एलाइड के लिए ऑयल एलाइड इससे पहले मैंने बताया एस्टर के लिए एल्केल एल्केनोइड इससे पहले मैंने बताया ओइगेनहाइड्राइड के लिए ओइगेनहाइड्राइड उससे पहले मैंने बताया SO3H के लिए सल्फोनिक अम्ल और सबसे पहले मैंने बताया CuH के लिए ओइक अम्ल ये क्रम है और ये क्रम आपके दिमाग में उल्टा सुल्टा कैसे भी चले आपके दिमाग में आना चाहिए एक यौगिक दो यौगिक और बात करके अपन समापन करेंगे आज का ये भी एक यौगिक है बेंजीन वाले पर COCH3 इस यौगिक को हम बोलते हैं एसिटोफिनोन क्या बोलेंगे एसिटोफिनोन वैसे रूट में मेथिल फेनिल कीटोन मेथिल सुन लो इसके लिए मेथिल ये फेनिल कीटोन मेथिल फेनिल कीटोन आईपीसी बोलेंगे एसिटोफिनोन क्या बोला मैंने मेथिल फेनिल कीटोन कई सोचते हैं कि फेनिल पहले आना चाहिए उस फेनिल जाने दिए तो उनको फेनिल की पीएच वैसे होता है तो पी से शुरू होता है और ये यदि आ जाए इसको बोलते हैं एसिटो ये एसिटोफिनोन हुआ वो ही लिख दिया मैंने यहां पर यदि अपन C6H5 ले तो इस यौगिक का नाम हो जाएगा डाई फेनिल कीटोन या इसको हम बोल देंगे बेंजो फिनोन बेंजो फिनोन तो ये आपके दिमाग में स्पष्ट रहनी चाहिए और जैसा आप जानते हैं कि अल्फा बीटा से भी अपन को व्यक्त करते हैं प्रतिस्थापी को तो इतने क्या किस्म अपने हो गए COH SO3H एनहाइड्राइड एस्टर एसिडलाइड एमाइड नाइट्राइल आइसोनाइट्राइल और बहुत इंपॉर्टेंट यौगिक आपको बताया मैंने कार्बन समूह वाले एल्डिहाइड और कीटोन ये इतने समूह आप कर लीजिए और पिछले जो मैंने क्वेश्चन पूछे आप लोगों को खासतौर से
अभी दो हो गया, अभी ठोस अवस्था का भी लेसन लिया था मैंने, वो टेस्ट दिया था, दो के विजेता अभी आपके बाकी हैं, कल घोषित करेंगे दोनों के, आज से आज को मिला लेंगे अपन साथ में, ठीक है, साथ में करेंगे कल हैट्रिक बनाते हुए। आज आप को मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, निम्न की संरचना बनाइए, निम्न की संरचना बनाइए, नंबर एक एक्रिलो नाइट्राइल, नंबर दो क्रोटोनेल्डिहाइड, नंबर तीन एसीटामाइड, नंबर चार कार्बिल एमिनो एथेन, नंबर पांच बीटा क्लोरो वेलेरिडिहाइड, नंबर पांचों पांच दे रहे हैं, पांच के लोग बहुत है, ये पांचों आप करके जल्दी भेजेंगे, आपके चल रहे हैं नाम और आपको शायद ध्यान भी नहीं होगा, सब दो दो टूर्नामेंट चल रहे हैं, मैन ऑफ द सीरीज भी चल रहा है, मैन ऑफ द सीरीज जानते किसको मिल रहा है, जिसको जिसका सब ज्यादा बार सही उत्तर रहेगा, ऐसा नहीं कि उसमें मेरे एक बार आ गया दो बार आ गया और मेरा आना नहीं है, लेकिन फिर मैं कह देता हूं ईश्वर का जो वरदान आपको 2020 से मिल गया कि बिना परीक्षा पास, यदि ऐसे चलोगे तो 2021 में हो जाओगे निराश, इसलिए तैयारी करो खास, तभी रहेगी अच्छे भविष्य की आस। जय हिंद जय भारत।